चमन जी, आपने सुन ली बात, क्या लोकसभा चुनाव में एक तो स्थानीय मुद्दे गूंजेंगे या फिर नरेंद्र मोदी का नाम चलेगा? और एक और सवाल आपसे कि क्या आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में हिमाचल में उतरेगी या नहीं? अब आम आदमी पार्टी, मुझे जहां तक अभी तक जो हमारे पास अपडेट्स हैं वो ये है कि हाँ, गठबंधन किस शेप में आगे जाएगा, लोकसभा तक कैसे बन पाएगा, वहां पर से क्या परिस्थितियां, कौन से स्टेट में, जैसे दिल्ली और पंजाब में बहुत एक टसल चली हुई है कि वहां के लोकल जो कांग्रेस लोग हैं वो चाहते नहीं है कि गठबंधन हो, तो वो ये नेशनल लीडर्स जो वहां पे डिसाइड करेंगे आपस में बैठ करके, उसके बाद हम लोग भी चाहेंगे कि भागीदारी हमारी हो, लोकसभा में हो, लोगों तक अगर ना हो तो कम से कम ये बात पहुंचाने में हम लोग उन तक जाएं कि हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं। अगर आप लाइफ उसमें देखेंगे पॉलिटिकली, हो सकता है किसके पास सत्ता है किसके पास नहीं है उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और हम लोग कहाँ पे हैं उसको भी मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन अगर वैल्यूज में डिग्रेडेशन हो रही है तो इन पार्टियों के कारण हो रही है। अगर गरीबों की लाइफ स्टाइल में आप देख रहे हैं उनको जूझना पड़ रहा है, मजदूरों के लिए बोलने वाला कोई है नहीं, तो उसमें थोड़ा काफी ज्यादा हम लोग पीछे जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं उसमें नीचे जा रहे हैं, हेल्थ केयर जिस लेवल पे होना चाहिए वहां तक गया नहीं, करप्शन के मामले में हाँ वही चीज है जो हमेशा बढ़ती है, चाहे वो कांग्रेस आ रही है भाजपा आ रही है, लेकिन हाँ ये पॉलिटिक्स अब जो थोड़ी है कि कोई भी पार्टी हो, इसमें किसी भी पार्टी में अगर कोई भ्रष्ट है तो उसको बाहर जाना चाहिए राजनीति में। लोगों को बस यही विनती है कि लोग चाहे वो किसी भी दल से संबंधित रखते हो, ऐसे लोगों को ना आने दे राजनीति में, अच्छे लोगों को आप चुन के भेजिए बस।